हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी विद हर्षित टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कंप्लीट रिवीजन ऑफ यूनिट टू बिजनेस डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा मार्टिंग फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट टू का कंप्लीट रिवीजन यूनिट वन का कंप्लीट रिवीजन हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर प्राप्त चुका है और फ्रेंड्स क्लाउड कंप्यूटिंग की कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एड कर दिया है एक बार आप जरूर चेक करें तो चलिए यूनिट टू को स्टार्ट करते हैं एग्रीगेशन डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस आर कम्बाइंड ड्यूरिंग द एग्रीगेट प्रोसेस टू प्रोड्यूस ए समरी ऑफ द डेटा फ्रेंड्स डेटा जो है वेरियस सोर्सेस से कंबाइन करा जाता है एग्रीगेट के प्रोसेस में जिससे कि प्रोड्यूस हो सके समरी जो डेटा हमने कलेक्ट करा है जिसको कंबाइन करा है उस डेटा की एक समरी प्रोड्यूस हो सके एनालिसिस ऑफ द ओवरऑल फ्रेंड्स ट्रेंड्स पैटर्न एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा कैन बी डन यूजिंग द एग्रीगेटेड डेटा इफ रिक्वेंट मेथड यूज इन डेटा वेयर हाउसिंग एंड ओ एल ए पी सिस्टम इज एग्रीगेशन फ्रेंड्स डेटा वेयर हाउसिंग और ओ एल ए पी सिस्टम में एग्रीगेशन का यूज होता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्रीगेशन सच एज समरी डिटेल्ड और इंटरमीडिएट लेवल कैन बी यूज एग्रीगेशन के डिफरेंट लेवल्स हैं जैसे की समरी डिटेल्ड और इंटरमीडिएट लेवल जो है ये तीनों लेवल यूज करे जाते हैं सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक सम एवरेज एंड काउंट आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रीट्स मोर कॉम्प्लीकेटेड ऑपरेशन लाइक स्टेटिकल एनालिसिस और डेटा माइनिंग आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रीट्स जैसे कि फ्रेंड्स सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन हुए सम एवरेज करना हुआ काउंट करना हुआ ये जो है एग्जाम्पल है एग्रीट्स के और जो है मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हुए जैसे कि स्टेटिकल एनालिसिस डेटा माइनिंग ये सभी ये एग्जाम्पल है एग्रगेट के

मल्टी क्राइटेरिया कैन बी क्रिएटेड यूजिंग क्वेरी फैसिलिटी टूल क्वेरी फैसिलिटी टूल कैन रेस्पॉन्ड टू यूजर क्वेरीज इन रियल टाइम क्वेरी फैसिलिटी टूल कैन हैंडल ए वेराइटी ऑफ क्वेरीज इंक्लूडिंग सिंपल क्वेरी कॉम्पलेक्स क्वेरीज एंड एडहोलिक क्वेरीज फ्रेंड्स जो क्वेरी फैसिलिटी टूल है वो हैंडल करता है वेराइटी ऑफ क्वेरीज को जिसमें इंक्लूड होती हैं जैसे कि सिंपल क्वेरी हुई

यूजर जो है नेविगेट कर सकता है डिफरेंट लेवल ऑफ डेटा को ओ एल ए पी फंशन मल्टी ड्रिलिंग डाउन फंक्शन आर यूज टू एक्सप्लोर डेटा इन ग्रेटर दीप बाई ब्रेकिंग इट डाउन इंटू स्मॉलर कैटेगरीज ओ एल ए पी फंक्शन आर क्रिटिकल फॉर एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कॉम्प्लेक्स क्वेरी एंड डेटा मॉडल कैन बी क्रिएटेड बाई कम्बाइनिंग ओ एल एपी फंक्शन ओ एल एपी फंक्शन आर मैथमेटिकल ऑपरेशन टू मैनिपुलेट डेटा फ्रेंड्स जो ओ एल एपी फंक्शन है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो की यूज होते हैं ओ एल ए पी एप्लीकेशन में मैनिपुलेट करने के लिए डेटा को एग्रीगेशन स्लाइसिंग डाइसिंग एंड ड्रिल डाउन आर एग्जाम्पल ऑफ ओ एल ए पी फंक्शन ओ एल ए पी फंक्शन के फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि एग्रीगेशन हुआ स्लाइसिंग हुआ हुआ डाइसिंग ड्रिलिंग डाउन हुआ एग्रीगेशन फंक्शन आर यूज डेटा बाई सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम और काउंट एग्रीगेशन फंक्शन जो यूज होता है वो समराइज करने के लिए डेटा को बाय कंप्यूटिंग इट्स सम एवरेज करना मिनिमाई मिनिमम मैक्सिमम और काउंट करने के लिए यह था ओ एल ए पी फंक्शन ओ एल ए पी सर्वर ओ एल ए पी सर्वर आर डेटा बेस डिजाइन स्पेशली फॉर ओ एल ए पी एप्लीकेशन फ्रेंड्स ओ एल ए पी सर्वर जो हैं ये डेटा बेस्ड डिजाइन हैं स्पेसिफिक ओ एल ए पी एप्लीकेशन के लिए ओ एल ए पी सर्वर आर डिजाइन टू क्विकली स्टोर एंड रिटेव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रेंड्स ओ एल ए पी सर्वर जो है डिजाइन करे गए हैं जिससे क्विकली स्टोर हो सके डेटा और आसानी से स्पीडली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक्सेस कर सकें OLAP server can handle सर्वर कैन हैंडल well क्वेरी एज वेल एज मल्टी डाइमेंशनल डेटा एनालिसिस फ्रेंड्स ओ सर्वर जो है कैपेबल है हैंडल करने के लिए कॉम्प्लेक्स क्वेरी और एज वेल एज मल्टी डायमेंशनल डेटा एनालिसिस को टू स्टोर डेटा ओ एल ए पी सर्वर टिपिकली यूज ए स्टार और स्नो फ्लैक स्कीमा आर ओ एल ए पी आर ओ एल ए पी जो है फ्रेंड्स रिलेशनल ओ एल ए पी है ए टाइप ऑफ ओ एल ए पी ये टाइप है ओ एल ए पी का आर ओ एल ए पी दैट यूजिस ए रिलेशनल डेटा बेस एज द डेटा सोर्स जो यूज करता है रिलेशनल डेटा बेस को एज द डेटा सोर्स आर ओ एल ए पी सिस्टम कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरी आर ओ एल ए पी सिस्टम जो है कैपेबल है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और कॉम्प्लेक्स क्वेरी को हैंडल करने के लिए आर ओ एल ए पी सिस्टम कैन बी फास्टर एंड मोर स्केलेबल देन एम ओ एल ए पी सिस्टम फ्रेंड्स जो आर ओ एल ए पी सिस्टम है वो फास्टर है और कैपेबल है मोर स्केबल है एज कम्पेयर टू एम ओ एल ए पी सिस्टम है आर ओ एल कैन बी मोर फ्लेक्सिबल डेन एम ओ एल ए पी सिस्टम एज दे कैन वर्क विद डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सोर्सेस फ्रेंड्स जो आर ओ एल ए पी सिस्टम है ये मोर फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू एम ओ एल ए पी सिस्टम और ये जो है वर्क कर सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सोर्सेज पर एम ओ एल ई पी एम ओ एल ए पी इज ए टाइप ऑफ ओ एल एपी इन विच द दोर्स ए मल्टी डाइमेंशनल डेटा बेस फ्रेंड्स है मल्टी डाइमेंशनल ओ एल ए पी है जो कि टाइप है ओ एल ए पी का और ये जो है डेटा सोर्स जो है मल्टी डाइमेंशनल डेटा बेस है एम ओ एल ए पी सिस्टम आर बिल्ड टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड परफॉर्म फास्ट क्वैरी एम ओ एल ए पी सिस्टम जो है बिल्ड करा गया है हैंडल करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और फास्ट क्वेरी परफॉर्मेंस के लिए प्री एग्रीगेटेड डेटा फ्रॉम एम ओ एल ए पी सिस्टम कैन बी यूज टू एनालाइज एंड विजुलाइजेशन एम ओ एल ए पी सिस्टम एनेबल क्विक एक्सेस टू डेटा एक्रॉस मल्टी डायमेंशन सच एस टाइम ज्योग्राफी एंड प्रोडक्ट लाइन एम ओ एल ए पी सिस्टम कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड डेटा एनालिसिस फ्रेंड्स एम सिस्टम जो है कैपेबल है परफॉर्म करने के लिए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और डेटा एनालिसिस एमओ एल सिस्टम कैन बी यूज मोर यूजर फ्रेंडली देन आर ओ एल ए पी सिस्टम बिकॉज दे प्रोवाइड ए सिंपलर एंड मोर डेटा एनालिसिस इंटरफेस फ्रेंड्स एम ओ एल सिस्टम जो है ज्यादा यूजर फ्रेंडली है आर ओ एल सिस्टम से एम ओ एल सिस्टम आर लेस फ्लेक्सीबल देन आर ओ एल सिस्टम बिकॉज दे कैन ऑनली वर्क लार्ज सिंगल डेटा सोर्स। फ्रेंड्स एम ओ एल एपी सिस्टम जो है लेस फ्लेक्सीबल है एज कम्पेयर टू आर ओ एल एपी सिस्टम है वर्क क्यों? करता है सिर्फ सिंगल डेटा सोर्स के साथ बिकॉज एम ओ एल ए पी सिस्टम मस्ट स्टोर प्री एग्रीगेटेड डेटा दे मे रिक्वायर मोर स्टोरेज स्पेस देन आर ओ एल एपी सिस्टम एच ओ एल एपी एच ओ एल एपी Hybrid ओ एल ए पी इज एन combine the benefit of टाइप दैट कम्बाइंड बेनिफिट ऑफ आर एंड एम फ्रेंड्स एच जो है एक hybrid है और ये टाइप है ओ का और इसमें combine होते हैं दोनों के benefits आर और एम जो कि हमने पढ़ चुके हैं आर क्या होता है और एम क्या होता है hybrid में इन दोनों को एक जगह करा गया है एच ओ एल ए पी सिस्टम लाइक आर ओ एल ए पी कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड कॉम्पलेक्सरी एच ओ एल एम लाइक एम ओ एल ए पी कैन प्रोवाइड एंड मल्टीडमेंशनल डेटा पी सिस्टम कैन प्रोवाइड ए बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस एंड फ्लेक्सीबिलिटी फ्रेंड्स जैसा की हम जानते हैं एच ओ एल ए पी फंक्शन जो है कैपेबल है दोनों के साथ काम करता है आर ओ एल एपी फंक्शन और एम ओ एल ए पी के साथ में तो जिस आर ओ एल ए पी जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने में कैपेबल है और कॉम्प्लेक्स क्वेरी को और जो हमारा एम ओ एल ए पी है वो क्विक एक्सेस प्रोवाइड कराता है प्री प्रीगेटेड डेटा को तो इसलिए जो है ये बैलेंस कर देता है ये दोनों चीज़ को हमें प्रोवाइड कराता है जिससे कि परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी हमें दोनों चीज़ मिलती हैं एच ओ एल ए पी सिस्टम कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड डेटा एनालिसिस एच ओ एल ए पी सिस्टम जो है फ्रेंड्स वो परफॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और डेटा एनालिसिस को एच ओ एल कैन अपोस्ट टू आर ओ एल ए पी कैन प्रोवाइड ए मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर डेटा एनालिसिस एच ओ एल ए पी सिस्टम कैन यूज प्री एग्रीगेटेड डेटा फॉर क्वेरी एंड रिलेशनल डेटा फॉर अदर रिक्वायरिंग लेस स्टोरेज स्पेस देन एम ओ एल ए पी सिस्टम फ्रेंड्स एच ओ एल ए पी सिस्टम जो है वो यूज करता है प्री एग्रीगेटेड डेटा को फॉर सम क्वेरी और रिलेशनल डेटा फॉर अदर क्वेरी और इसको लेस स्टोरेज की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू एम ओ एल ए पी सिस्टम एच ओ एल ए पी सिस्टम आर मोर डिफिकल्ट टू सेटअप एंड मेंटेन देन आर ओ एल ए पी और एम ओ एल ए पी सिस्टम फ्रेंड्स एच ओ एल ए पी सिस्टम जो है मोर डिफिकल्ट है सेटअप करना और उसको मेंटेन करना क्योंकि उसमें दोनों चीज़ों को दोनों चीज़ एक साथ वर्क करते हैं आर ओ एल ए पी और एम ओ एल ए पी सिस्टम इसलिए डिफिकल्ट है और मेंटेनेंस भी इसकी टफ है डेटा माइनिंग इंटरफेस डेटा माइनिंग इंटरफेस क्या होता है यूजर कैन कम्युनिकेट विद डेटा माइनिंग सिस्टम यूजिंग विदेटाइनिंग सॉफ्टवेयर टूल कॉल्ड डेटा माइनिंग इंटरफेस यूजर जो है फ्रेंड्स कम्युनिकेट कर सकता है डेटा माइनिंग सिस्टम से कैसे यूज करके सॉफ्टवेयर टूल जिनको कहा जाता है डेटा माइनिंग इंटरफेस द इंटरफेस कैन प्रोवाइड फीचर्स सच एज डेटा विजुअलाइजेशन क्वेरिंग एंड मॉडलिंग टूल जो इंटरफेस है वो प्रोवाइड कराता है फीचर्स जैसे डेटा विजुअलाइजेशन क्वेरी और मॉडलिंग टूल्स डिफरेंट यूजर टाइप इंक्लूडिंग डेटा एनालिस्ट बिजनेस यूजर एंड डेटा साइंटिस्ट कैन हैव दर ओन इंटरफेस क्रिएटेड न्यूमरस डेटा माइनिंग एलगोरिथम एंड मैथर्ड इंक्लूडिंग क्लस्टरिंग क्लासीफिकेशन एंड रेगुलेशन कैन बी एक्से थ्रू द इंटरफेस डेटा माइनिंग इंटरफेस अदर सॉफ्टवेयर टूल लाइक डेस्क वोल्डिंग एंड रिपोर्टिंग टूल कैन बी इंटीग्रेटेड विद द इंटरफेस जैसे कि हमारा डैश फोल्डिंग हुआ रिपोर्टिंग टूल हुआ वो जो है इंटीग्रेट करे जा सकते हैं फ्रेंड्स विद द इंटरफेस सिक्योरिटी बैकअप एंड रिकवरी सिक्योरिटी इज एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग एज द डेटा कैन कंटेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है डेटा वेयर हाउसिंग का क्योंकि डेटा इसमें सेंसटिव इंफॉर्मेशन भी कंसिस्ट हो सकती है सिक्योरिटी मेजर्स कैन इंक्लूड एक्सेस कंट्रोल ऑथेंटिकेशन एंड एन करप्शन सिक्योरिटी मेजर्स जो है जैसे कि ऑथेंटिकेशन हुआ एक्सेस कंट्रोल हुआ और एनक्रिप्शन हुआ बैकअप एंड रिकवरी प्रोसेस आर क्रिटिकल फॉर एंश्योरिंग डेटा एवेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी इन केस ऑफ सिस्टम फेरियर और डिजास्टर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसेस कैन इंक्लूड इंक्रीमेंटल एंड फुल बैकअप रेप्लीकेशन एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान ट्यूनिंग डेटावेर हाउस ट्यूनिंग ए डेटा वेयर हाउस इन्वॉल्व ऑप्टिमाइजिंग ट्यूनिंग ऑफ डेटा वेयर हाउस जो है इन्वॉल्व करता है ऑप्टिमाइज करना परफॉर्मेंस को सिस्टम ट्यूनिंग कैन इंक्लूड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डेटा रिट्रीवल, इंडेक्सिंग एंड एग्रीगेशन प्रोसेस ट्यूनिंग जो है इन्वॉल्व करती है जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डेटा रिट्रीवल क्या है इंडेक्सिंग और एग्रीगेशन प्रोसेस को ट्यूनिंग कैन ऑल्सो इम्प्रूव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेड सच एज एडिशन मोर मेमोरी और अपग्रेडिंग द डेटा बेस मैनेजमेंट ट्यूनिंग कैन बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस एस द डेटा वेयर हाउस उस टेस्टिंग ए डेटा वेयर हाउस इन्वॉल्व वेरीफाइंग द करेक्टनेस एंड कम्प्लीटनेस ऑफ डेटा एंड फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम टेस्टिंग जो है फ्रेंड्स डेटा वेयर हाउस की इन्वॉल्व करती है वेरीफिकेशन ऑफ करेक्टनेस और कम्प्लीटनेस ऑफ डेटा डेटा करेक्ट है और कंप्लीट है इस चीज को वेरीफाई करा जाता है जिससे कि फ़ंक्शनलिटी जो है सिस्टम की वो आसानी से इफेक्टिवली रेगुलर वर्क कर सके टेस्टिंग कैन इंक्लूड डेटा वैलिडेशन डेटा क्लीनिंग एंड ईटीएल एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड प्रोसेस टेस्टिंग टेस्टिंग में सब फ्रेंड्स इंक्लूड होता है जैसे डेटा वैलिडेशन वैलिडेट चेक करना डेटा क्लीनिंग जो एक्स्ट्रा डेटा है अनवांटेड डेटा है उसको क्लीन करना ई टी एल एक्सट्रेक्ट ट्रांसफॉरलोड प्रोसेस टेस्टिंग टेस्टिंग स्केलेबिलिटी टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग टेस्टिंग में फ्रेंड्स उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करी जाती है स्केलेबिलिटी टेस्टिंग होती है और सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है टेस्टिंग कैन बी ऑटोमेटेड यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल और डन मैनुअली बाई टेस्ट इंजीनियर फ्रेंड्स टेस्टिंग जो है ऑटोमेट भी करी जा सकती है सॉफ्टवेयर टूल का कर यूज करके या वो टेस्ट इंजीनियर भी उसको टेस्ट कर सकता है टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग एप्लीकेशंस एनालाइज सेल्स एंड कस्टमर डेटा टू बेटर अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर मैनेज इन्वेंट्री एंड डेवलप वोर इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन एनालाइजिंग

जो भी प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करेंगे उससे फायदा होगा ओवरऑल पेशेंट की केयर करने में हमें आसानी होती है एनालाइज करना फाइनेंशियल डेटा को जिससे कि हम जो है फाइंड आउट कर सकें फ्रॉड ऑप्टिमाइज कर सके और इन्वेस्टमेंट इसी चीज़ को कहते हैं फाइनेंशियल एनालिटिक्स और एनालाइज सप्लाई चेन डेटा सप्लाई चेन डेटा को एनालाइज करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक और इन्वेट्री मैनेजमेंट प्रोसीजर वेब माइनिंग वेब माइनिंग एक्सट्रैक्शन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब पेज वेब लॉग एंड अदर वेब रिलेटेड सोर्सेस। वेब माइनिंग जो है फ्रेंड्स ये प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना कहाँ से वेब पेज से वेब लॉग से और अदर वेब रिलेटेड डेटा सोर्सेस है वेब माइनिंग कैन इंक्लूड टेक्स्ट माइनिंग लिंक एनालिसिस एंड वेब यूज माइनिंग वेब माइनिंग बी यूज फॉर परपज सच एच वेब सर्च रिकमेंडेशन सिस्टम एंड सोशल नेटवर्क एनालिसिस वेब माइनिंग का जो है यूज जो है जैसे कि फ्रेंड्स वेब सर्च में रिकमेंडेशन सिस्टम में और सोशल मीडिया एनालिसिस में होता है स्पेशल माइनिंग एनालिंग डेटा विद द जियोग्राफिकल एंड स्पेशल कम्पोनेंट इज नोन एज स्पेशल माइनिंग एनालाइज करना डेटा को ज्योग्राफिकल और स्पेशल कंपोनेंट के साथ उसको स्पेशल माइनिंग कहा जाता है स्पेशल एसोसिएशन एनालिसिस स्पेशल रेक्रेशन एंड स्पेशल क्लस्टरिंग आर सम एक्जाम्पल ऑफ स्पेशल माइनिंग टेक्निक अर्बन प्लानिंग एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट आर ए फ्यू एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल माइनिंग जैसे कि कुछ एप्लीकेशन है स्पेशल प्लानिंग की जैसे कि अर्बन प्लानिंग हुआ एनवायरमेंटल एनालिसिस हुआ रिसोर्स मैनेजमेंट हुआ ये जो है स्पेशल माइनिंग से होती है टेम्पोरल माइनिंग डेटा ओवर टाइम इज एनालाइज्ड इज टेम्पोरल माइनिंग टेक्निक फॉर टेम्पोरल माइनिंग कैन इंक्लूड ट्रेंड एनालिसिस परफॉर्मेंस आर सम एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन फॉर टेम्प्रोरल माइनिंग डेटा को ओवर टाइम एनालाइज करना उसको टेम्परोरल माइनिंग कहते हैं और जो टेक्निक है वो यूज करी जाती है ट्रेंड एनालिसिस हुई टाइम सीरीज एनालिसिस हुआ और इवेंट प्रिडिक्शन हुआ अब इसमें फ्रेंड्स ये कुछ एग्जाम्पल हैं एप्लीकेशन ऑफ टेम्परल माइनिंग के जैसे फोरकास्टिंग हुआ फाइंडिंग एनोमलीस हुआ कीपिंग ट्रैक ऑफ सिस्टम परफॉर्मेंस हुआ रिसेंट ट्रेंड्स डेटा विहराउसिंग आर स्टोर्ड एंड मैनेज यूजिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विच ऑफर स्केलेबिलिटी फ्लेक्सीबिलिटी एंड कॉस्ट सेविंग डेटा वेयर हाउसेस जो हैं स्टोर और मैनेज करे जाते हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से जो कि प्रोवाइड कराता है स्केलेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट सेविंग क्लाउड के बारे में हम क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप वहाँ पर जा सकते हैं रियल टाइम डेटा वेयर हाउसिंग इन्वॉल्व कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा इन द लास्ट मोमेंट गिविंग यूजर एक्सेस

सभी यूनिट के कंप्लीट रिविजन हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हरिष्द पर अपलोड करा दिए जाएंगे आपके एग्जाम से पहले और क्लाउड कंप्यूटिंग के कम्प्लीट रिविज़न अपलोड हो चुका है आप एक बार जरूर चेक करें और इन सभी की प्ले लिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें